हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, ये वीडियो राधा कृष्णा जी की ड्राइंग का पार्ट टू है। एंड गाइज, इससे पहले हमने पार्ट वन में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से देख लेना। तो गाइज, इस वीडियो में हम कम्प्लीट पार्ट में कलरिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर डॉम्स के कलर पेंसिल का यूज करने वाले हैं। एंड गाइज, डॉम्स के इन कलर का भी यूज करेंगे। तो चलो गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइन को हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके कि रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी मुझे डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहाँ पर सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, आप लोगों को पहले इसी तरीके से रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली ब्राउन कलर का यूज करके शेड करना है। गाइज, मैंने ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में कलरिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, अब मैं सिंपली लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में कलरिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज हैं, मैं सिंपली उस हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी सभी पार्ट में बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली स्लोली लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके शेड कर रहा हूँ। लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके मैंने कंप्लीट पार्ट में कलरिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, अब मैं सिंपली ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली ब्राउन कलर का यूज करके शेड कर ले रहा हूं। गाइज, मैंने ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में कलरिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, अब मैं सिंपली ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके शेड कर रहा हूँ। गाइज, लाइट ऑरेंज कलर का यूज करके मैंने कंप्लीट पार्ट में कलरिंग कर ली है। इसके बाद गाइज, रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहां पर रेड कलर का यूज करके शेड कर रहा हूं। गाइज, मैंने रेड कलर का यूज करके भी कंप्लीट पार्ट में सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज, अब रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, जैसे कि आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में, मैं सिंपली ब्लैक कलर का यूज करके सेट कर रहा हूं। ब्लैक कलर से कंप्लीट सेट कर लेने के बाद गाइज, अब मैं सिंपली व्हाइट कलर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर ले रहा हूँ। गाइज, इसके बाद अब मैं कृष्णा जी के फेस में कलरिंग करने के लिए सबसे पहले वैसे ही रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली डार्क ब्लू कलर का यूज करके शेड करूंगा। एंड डार्क ब्लू कलर का यूज करके शेड कर लेने के बाद गाइज, अब मैं सिंपली कंप्लीट पार्ट में लाइट ब्लू कलर का यूज करके शेड कर लूंगा। बाकी गाइज, आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं कौन से पार्ट में कौन से कलर का यूज करके कलर कर रहा हूँ, आप लोग इजिली समझ जाओगे।